जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में मैं फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने राज्य पशु के बारे में पढ़ा, राज्य वृक्ष के बारे में पढ़ा था प्यारे साथियों। अब वो वीडियो क्या था प्यारे साथियों, बहुत लंबा हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने इसका पार्ट टू लेकर आने की सोची। काफ़ी एक घंटे से ज़्यादा हो गया था वो वीडियो, तो आप लोग सोच रहे हो कि सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो इस वजह से इसका पार्ट टू आपके बीच लेकर आ रहा हूँ प्यारे साथियों मैं। और इस पार्ट टू से पहले थोड़ा सा पार्ट वन का रिवीजन कर लेते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके बहुत ही शानदार लाजवाब कमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों, तो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी से प्यारे साथियों चिंकारा था, जिसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा था गजेला गजेला, और इसको 22 मई 1981 को राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है प्यारे साथियों। ये सर्वाधिक जोधपुर में देखा जा सकता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों, मैंने बताया था आपको, अगर आप देखना चाहो इसको पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो नाहरगढ़ जयपुर में भी इसको देखा जा सकता है। जबकि चिंकारा, मैंने आपको बताया था कि चिंकारा है जो गंगानगर राज्य का, सॉरी गंगानगर जिले का क्या है, शुभंकर है चिंकारा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था ऊँट, पढ़ा ऊँट के बारे में, ये पशुधन की श्रेणी से है, और इसके बारे में बताया था मैंने 30 जून को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है 2014 में, और 19 सितंबर को इसको क्या दे दिया जाता है, पशुधन की श्रेणी से दर्जा दे दिया जाता है प्यारे साथियों। यहाँ तक पढ़ा था आपने। फिर आपने पढ़ा था कि एक पशु निरोध अधिनियम आता है, वो सॉरी ऊँट वध निरोध अधिनियम 2014 में आता है, दिसंबर में आता है। उसके बाद आपने ऊँट के बारे में बिल्कुल बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया, ऊँट अनुसंधान केंद्र प्यारे साथियों जोड़वीड़ बीकानेर में, ये पढ़ा आपने। उसके बाद ऊँट की किस्मों के वगैरह आपने पढ़ा, रहबारी जाती है, बाबूजी को राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, ये सारा मैटर आपने कवर कर लिया था भाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को। उसके बाद पढ़ा था राज्य पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राज्य पक्षी गोडावन है। इसको दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को इसको दर्जा दिया जाता है प्यारे साथियों। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया, मालमोरडी के नाम से हाड़ूती में जाना जाता है, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, ये सारे नाम इसके थे। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, सोरसन बारा, सोकलिया, अजमेर, और ये प्यारे साथियों राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये गोडावन है ना, जैसलमेर का शुभंकर है, जबकि चिंकारा प्यारे साथियों आपका कहाँ का शुभंकर है, चिंकारा आपका शुभंकर है गंगानगर का, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे भाई राज्य पुष्प के बारे में, राज्य है पुष्प के बारे में, ये जी भी हाँ ये भी कर लिया था प्यारे साथियों। इसके बारे में भी बात कर लिया था, टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम था, सागवान, मारवाड़ का टीक कहा जाता है। अब बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने छोड़ा था प्यारे साथियों और राज्य वृक्ष पर छोड़ा था। अब राज्य वृक्ष के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि राज्य वृक्ष, इसको राजस्थान का जो आपका राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया जाता है, 21 अक्टूबर 1983 को इसको दिया जाता है प्यारे साथियों। इस पर एक डाक टिकट जारी होता है, कितने पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है प्यारे साथियों। पर्यावरण दिवस था, कौन से साल का पर्यावरण दिवस था भाई, 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, और बात 1988 की थी, 1988 में क्या होता है, इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया। किस पर जारी कर दिया, खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया। तो लिख डालो, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसको दर्जा कब दिया जाता है, खेजड़ी। ये लो भाई खेजड़ी, इसको दर्जा मिलता है, वो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, डलवा दिया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 31 अक्टूबर 1983 को, कब, खेजड़ी को दर्जा दिया जाता है 31 अक्टूबर 1983 को। अब क्या होता है, 5 जून आती है, हर साल ही आती है 5 जून, परंतु 1988 में 5 जून आई ना, उस पर क्या हुआ, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी, कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, वो सॉरी कितने पैसे का, 60 पैसे और लिख लो भाई, 60 रुपए कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किस पर जारी होता है, खेजड़ी पर, यहां पर लिख डालो खेजड़ी, खेजड़ी पर क्या होता है, 60 पैसे का डाक टिकट जारी होता है, बिल्कुल। आगे देखो, 60 पैसे का डाक टिकट आपने जारी करवा दिया, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम
प्रोसोपिस सिनेरिया है, ध्यान रखना, देखिएगा वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से किस राज्य राज्य प्रतीक चिन्ह दे देगा, एक तरफ तो एक तरफ वैज्ञानिक नाम दे देगा। निम्न में से किसका सुमिलित है, किसका सुमिलित नहीं है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो लिख डालो इसका वैज्ञानिक नाम, प्रोसोपिस सिनेरिया। ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अब वैज्ञानिक नाम क्लियर हो गया। किस तिथि को इसको दर्जा मिला, 31 अक्टूबर 1983 को मिला, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, बिल्कुल। अब देख लेते हैं इसके उपनाम, इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। प्यारे साथियों, इसको उपनामों से जाना जाता है, राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव। तो लिख डालो उपनाम, राजस्थान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, ये क्या है भाई, ये उपनाम है। किसके उपनाम है, खेजड़ी के उपनाम है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष और राजस्थान का गौरव, अर्थात प्यारे साथियों इसको जाना जाता है किसको, खेजड़ी को, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जैसा कि आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार। प्यारे साथियों आगे देखिए भाई, आगे मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ खेजड़ी की, अब देखो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है ना, अमूमन एक तो गोगा जी का जो थान होता है ना, वहाँ पर आपको खेजड़ी के सर्वाधिक, जैसे खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे गोगा जी का थान मिलेगा, बिल्कुल। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, झुंझार बाबा का मंदिर है, तो कौन से दो लोक देवता है, एक तो गोगा जी है और एक झुंझार बाबा है, तो ये भी लिख डालो, एक तो गोगा जी व झुंझार गोगा जी व झुंझार जी बाबा, इनका जो थान होता है ना वो अमूमन खेजड़ी वृक्ष के पास में होता है, या खेजड़ी जैसे खेजड़ी का वृक्ष है उसके पास में गोगा जी व झुंझार जी बाबा का मंदिर बना हुआ होता है, थान या मंदिर, जिसे अपने गांव की भाषा में थान भी कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अब खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है एक त्यौहार को, एक त्यौहार आता है विजयदशमी का, विजयदशमी के दिन जिसे दशहरा भी बोलते हैं, विजयदशमी के दिन प्यारे साथियों क्या होता है कि जो आपका खेजड़ी है ना उसकी पूजा की जाती है। अब आपका अगला सवाल है कि ये विजयदशमी आती कब है, तो प्यारे साथियों विजयदशमी आती है अश्विन शुक्ल दशमी को, तो ये लिखो यहां से, अच्छा प्रश्न बन सकता है, अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी को क्या आती है, विजयदशमी। अब विजयदशमी के दिन क्या होता है भाई, विजयदशमी के दिन या दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, ठीक है, विजयदशमी या दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, और ये विजयदशमी आती है ना अश्विन शुक्ल दशमी को आती है, बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष ये आपके शेखावाटी में पाए जाते हैं, अगर आपसे जिला पूछ ले तो नागौर जिले में सर्वाधिक है, तो ये भी लिख डालो, नागौर जिले में तो सर्वाधिक, नागौर में सर्वाधिक। और अगर आपसे पूछ ले क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र शेखावाटी हो जाएगा, शेखावाटी में सर्वाधिक। अगर जिले की बात करता है ना पर्टिकुलर जिले की, तो जिला आपका आ जाएगा नागौर आ जाएगा। अब इसको क्या है, जैसे आपका खेजड़ी है ना, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान में तो इसको खेजड़ी कहते हैं, कल्पवृक्ष कहते हैं, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का गौरव, इन नामों से जाना जाता है। परंतु क्या होता है प्यारे साथियों, इसको
राजस्थान के अलावा अन्य जगहों पर भी इसके उपनाम हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ हरियाणा पंजाब में इसको क्या कहते हैं, जाटी कहते हैं। हरियाणा पंजाब में वहाँ के स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ तमिल भाषा में तो इसे पेम्पेई कहते हैं, तमिल भाषा के लोग इसको पेम्पेई कहते हैं। खिचड़ी को कन्नड़ में क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी कहते हैं। खिचड़ी को कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं। सिंधी में, सिंधी भाषा है उसमें इसको छोकड़ा कहते हैं। बंगाली में साई गाछ कहते हैं। तो यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, तो ये भी लिख डालो प्यारे साथियों। खेजड़ी के अन्य नाम कहाँ पर, जो अदर स्टेट है ना, यहां पर ये लिख डालो। हाँ भाई अदर स्टेट है ना, राज्यवार लिखो तो लिखो। खेजड़ी को पंजाब हरियाणा में एक नंबर डाल के लिखो, पंजाब व हरियाणा में, हरियाणा में क्या कहते हैं, वहां की स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहते हैं। भाई जाटी क्या कहते हैं, जाटी की पूजा होती है, जाटी बोलो। आगे बात करते हैं अपन लोग इसको, हरियाणा व पंजाब में जाटी कहते हैं। जबकि मैं बात करता हूं प्यारे साथियों तमिल भाषा की, तमिल भाषा में इसको क्या कहते हैं, तमिल भाषा में इसको कहते हैं पेम्पेई। क्या कहते हैं भाई, पेम्पेई कहते हैं, तमिल भाषा में पेम्पेई कहते हैं। आगे देखो आपका जो अगली भाषा है प्यारे साथियों वो है कन्नड़, और कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी कहते हैं। तो लिख डालो कन्नड़, कन्नड़ में क्या कहते हैं खेजड़ी को, कन्नड़ में खेजड़ी को बन्ना बन्नी कहते हैं, खेजड़ी को बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, ठीक है। बन्ना बन्नी वाला सॉन्ग याद आ गया होगा आपको। आगे लिखो, सुनाओ देगा किस किस को याद आ गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप देना बिल्कुल। आगे बात करता हूँ प्यारे साथियों मैं सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं, छोकड़ा कहते हैं। सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है किसको, खेजड़ी को। खेजड़ी की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना कभी, बोलो सर ये तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। सिंधी भाषा में छोकड़ा, और बंगाली भाषा में मैं बात करता हूँ, बंगाली भाषा में इसको साई गाछ कहा जाता है बिल्कुल। क्या कहा जाता है, बंगाली भाषा में साई गाछ। अब बोलो सर जाटी समी पढ़ा था हमने, वो समी तो आया ही नहीं, आप बता रहे हो जाटी कहा जाता है हरियाणा पंजाब में, हम लोगों ने पढ़ा था समी, अरे वो समी तो आया नहीं। अरे धैर्य रखो, जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी धैर्य से मिलेगी। अब बात करते समी का, अब क्या होता है, जो राजस्थान में आपका विश्नोई संप्रदाय है ना, जो खेजड़ी की पूजा करता है तो किसके रूप में करता है, समी के रूप में। अर्थात जो विश्नोई संप्रदाय है वो खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है, उसमें समी के नाम से। तो ये लिखो विश्नोई संप्रदाय में, विश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को समी के नाम से जानते हैं, ठीक है, समी के नाम से। विश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को समी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसको स्थानीय भाषा में, राजस्थानी में क्या कहते हैं, सीमलो कहते हैं, सीमलो भी कहा जाता है भाई। अब देखिएगा खोखे का व्यापार करवाऊंगा आपको, आप लोग जैसे बचपन में थे गाड़ी बनाकर चलाते थे होंगे, कैसी गाड़ी, चप्पल के टायर और जो अपने पुआल होता है ना उसके जो फल्टे होते हैं उससे आप गाड़ी बनाते थे, और उसमें क्या खोखे का व्यापार करते थे। बचपन की यादें सारी ताज़ा करवाऊंगा आपको बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है। अब लेको सेशन को लाइक शेयर कर दो भाई, कंजूसी कर रहे हो आप। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। अब देखो खेजड़ी के कितने सारे नाम हो गए भाई, सीमलो कहा जाता है,
अब बताओ एग्जामिनर का क्या दोष है, प्रश्न ही बहुत सारे बन रहे हैं, तो भाई उसका भी मूड जब कभी पता नहीं किस मूड में किस प्रश्न को उठा लेता है। अब सीमलो कहा जाता है किसको, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में। अब थोड़ी सी वो वाली कहानी बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा ये क्या होता है खेजड़ी में, क्या गर्मियों में इसमें क्या लगती है, सांगरिया लगती है प्यारे साथियों। और गर्मियों में क्या होता है आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं। अब जैसे आप गर्मियों में क्या करते थे, हम तो बचपन में क्या किया करते थे भाई, जैसे छुट्टी लगी, अब छुट्टी लग जाती थी गर्मियों की, तो फिर आराम से दिन भर खिचड़ी के नीचे ही, और वहाँ से आराम से दोपहर में दुबक के घर वालों से भग के, और वहाँ खिचड़ी के नीचे आराम से पूरे दिन खेला करते थे। अब उसमें क्या होता, खोखा, खोखा होता ना जो इसकी, प्यारे साथियों जो इसकी सूखी फलियाँ है ना वो खोखा कहलाती थी। अब जैसे खिचड़ी हो, खिचड़ी का पेड़ है, उसमें क्या गीली फलियाँ लगती हैं, अब वो क्या है कि वो लटकी रहती हैं जब तक सूखेंगी, जब तक नीचे नहीं गिरेंगी, और नीचे गिरती थी फिर वो उनको होमगाड़ी में भरते थे और ऐसे खोखे का व्यापार करा करते थे। ठीक है, इसकी हरी जो फली सांगरियाँ वो गर्मी में लगती हैं, उसके बाद इसका पुष्प है ना, पुष्प मीजर कहलाता है। पुष्प का नाम भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि खेजड़ी का जो पुष्प होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो मीजर के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। इसकी सूखी फलियाँ खोखा कहलाती हैं। और प्यारे साथियों खेजड़ी की पत्तियों से जो चारा होता है क्या होता है, खेजड़ियों की पत्ती का जो चारा होता है ना वो क्या कहलाता है, लूम या लूंग कहलाता है। तो यहां से भी एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसकी हरी फलियां, खेजड़ी तो लिख डालो, खेजड़ी की हरी फलियां ये कब लगती हैं, ग्रीष्म। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं खेजड़ी की, खेजड़ी की हरी फलियां ये ग्रीष्म काल में लगती है, किस काल में लगती है, ये लो भाई ग्रीष्म काल में लगती है बिल्कुल। और इसका पुष्प है ना ये लिख डालो भाई, पुष्प क्या कहलाता है, पुष्प मीजर कहलाता है। सूखी फलियां खोखा कहलाती है, और खोखे का व्यापार आपने बचपन में खूब किया होगा, आज वाले बच्चे तो कहाँ जानेंगे क्योंकि भाई मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। सूखी फलियां खोखा कहलाती हैं, देखिएगा ये मोबाइल आया है जब से क्या है, घर में रहते हुए नज़दीक रहते हुए रिश्तों में क्या आ गई है, दूरियां आ गई हैं भाई, बिल्कुल बहुत नज़दीक हैं परंतु जो रिश्तों में डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि किसी को बैठने का टाइम नहीं मिलता। जब इंटरनेट बंद होता है तब पता लगता है घर में कौन कौन रहते हैं, सभी सदस्यों का पता ही तब लगता है। ठीक है, मानवीय मूल्य घटते जा रहे हैं। अब इसकी जो पत्तियां होती ना, खेजड़ी की पत्तियां, खेजड़ी की पत्तियां जिन्हें लूम या लूंग कहा जाता है, ठीक है, खेजड़ी की पत्तियों को लूम या लूंग कहा जाता है। और ये खेजड़ी की पत्तियां होते हैं ना प्यारे साथियों, इनसे क्या होता है, चारा बनता है। ठीक है, अब बताओ खोखे का व्यापार हुआ, अब खेजड़ी पर बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अब बात करता हूँ खेजड़ी वृक्ष होता है, उसकी आयु लगभग 5,000 साल बताई गई है, 5,000 साल खेजड़ी वृक्ष की आयु 5,000 साल बताई गई है। कितने साल, यानी जो एक खेजड़ी का वृक्ष होता है लगभग 5,000 साल तक वो जीवित रह सकता है, अर्थात वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। अब मैं बात करता हूँ राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के दो वृक्ष 1,000 साल पुराने कहाँ पर हैं, मांगलियावास अजमेर में है। मांगलियावास अजमेर में प्यारे साथियों हरियाली अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या ये श्रावण में आती है, और इसको यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है। तो लिख डालो खेजड़ी के सर्वाधिक प्राचीन 1,000 साल पुराने, 1,000 साल पुराने दो वृक्ष हैं, कितने वृक्ष हैं, दो वृक्ष कहाँ पर हैं, मांगलियावास अजमेर में है, मांगलियावास अजमेर में है। हरियाली अमावस्या आती है, कौन सी अमावस्या, हरियाली अमावस्या,
हरियालिया मोर्चा को, यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है, और ये कहाँ पर लगता है, मांगल्यवास में। हरियालिया अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या को हरियालिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यहां पर वृक्ष मेला लगता है मांगल्यवास अजमेर में। खेजड़ी के 1000 साल पुराने दो वृक्ष हैं, और दो वृक्ष हैं यहां पर ही क्या लगता है सर्वाधिक प्राचीन है, इनकी औसत आयु 5000 साल बताई गई है, और यहां पर दो वृक्ष हैं, इसलिए यहां पर प्यारे साथियों हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है और इस पर यहाँ पर वृक्ष मेला भरता है। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत शानदार, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। ऑपरेशन खेजड़ा, यहां से भी एक बार कई बार प्रश्न आया हुआ है कि ऑपरेशन खेजड़ा है ना, ये अभियान कब चलाया गया। प्यारे साथियों ऑपरेशन खेजड़ा अभियान 1991 में चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा, तो ये भी लिख डालो भाई। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया, ये कार्यक्रम कब चलाया गया था। सामान्य प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन खेजड़ा जो कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था, वो चलाया गया था प्यारे साथियों 1991 में चलाया गया था। अब वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहली बार क्या होता है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक बलिदान होता है, राजस्थान में सर्वप्रथम एक बलिदान होता है, और वो बलिदान होता है 1604 में। अब आप लोगों ने तो ये मुख्यतः यही पढ़ रखा है कि 1730 में 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, बिल्कुल आपने भी सही पढ़ा है। परंतु प्यारे साथियों अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए और सर्वप्रथम बलिदान की बात करें, तो आपका बलिदान है जो प्यारे साथियों डेट वाइज पूछेगा तो 1604 में जोधपुर के रामधड़ी गांव में गोराव कर्मा के द्वारा दिया गया था, तो लिख डालो इसको भी। वन्य जीवों की रक्षा में पहला बलिदान, बलिदान 1604 में रामधड़ी गांव, ये कहां पर पड़ेगा आपका, जोधपुर में है भाई, कहां पर है जोधपुर में। यहां पर कर्मा व गोरा नाम के व्यक्तियों ने, कर्मा व गोरा नाम के व्यक्तियों ने क्या किया था, राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान दिया था। उसके बाद बात आती है दूसरे बलिदान की, तो दूसरा बलिदान प्यारे साथियों 1700 में होता है, सन 1700 में नागौर परगना के, नागौर परगना प्यारे साथियों उसके मेड़ता, नागौर जो आपका रियासत थी उसमें मेड़ता एक परगना था, उस परगना के पोलावास गांव में बूचो जी के द्वारा दिया गया। अब यहां से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा आपका दिया जाता है 1700 सन की बात है, नागौर रियासत के, नागौर रियासत के पोलावास गांव, अरे ये पोलावास गांव कहां पड़ता है, मेड़ता परगना में पड़ता है, मेड़ता परगना, अरे मेड़ता परगना में कौन था, बूचो जी था भाई, बूचो जी, बूचो जी के द्वारा वन्य जीवों की रक्षा में दूसरा बलिदान, पहला बलिदान कर्मा व गोरा के द्वारा 1604 में समदड़ी गांव जोधपुर में, और दूसरा है भाई नागौर के पोलावास जो मेड़ता परगने में पड़ता है 1700 में दिया गया था, कब 1700 में, और ये बूचो जी के द्वारा वन्य जीवों की रक्षा के लिए दिया जाने वाला दूसरा बलिदान है। अब बात करते हैं आपका तीसरा बलिदान, तीसरा बलिदान प्यारे साथियों सन 1730 में जोधपुर में कहां पर, सन 1730 में जोधपुर में प्यारे साथियों, और यह दिया जाता है अमृता बिश्नोई के द्वारा, ठीक है, अगले पेज में चले।
लो भाई यहां से लिखो, अमृता विश्नोई का नाम लिख डालो, अमृता विश्नोई, ठीक है। ये किसकी पत्नी थी? ये वाइफ ऑफ थी भाई रामो विश्नोई, ठीक है, रामो विश्नोई की वाइफ थी। इन्होंने क्या किया, 1730 में उस समय शासक था अभय सिंह, मारवाड़ का शासक कौन था, अभय सिंह। बात 1730 की है। अब इनको पता लगा किनको, अमृता विश्नोई को, कि भाई महाराजा अभय सिंह का आदेश है। बात 1730 की थी, बोलो पेड़ काटे जा रहे हैं और गांव का नाम भी लिख डालो, कौन सा गांव था इनका, गांव था जो प्यारे साथियों अमृता विश्नोई का गांव था खेजड़ली गांव, जहां प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली गांव की बात थी। अब अभय सिंह को कुछ एक राजस्व इनकम करनी थी। अब इन्होंने आदेश दे दिया, इन्होंने आदेश दिया कि भाई इतने पेड़ काटनी है। बोलो पेड़ कहाँ मिलेंगे, बोलो खेजड़ली गांव में, बोलो आदेश। और आपको पता है प्राचीन समय में अगर राजा के आदेश की पालना नहीं होती तो क्या होता है, उसका असर आपको पता ही है। प्यारे साथियों बात कुछ ऐसी है, अभय सिंह ने आदेश दिया और फटाफट जो उनके सेनापति वगैरह सारे पहुंच गए, कहां पर ये पहुंच जाते हैं प्यारे साथियों, खेजड़ली गांव पहुंच जाते हैं। अब खेजड़ली गांव जैसे ही पहुंचे तो वहां पर जैसे ही पेड़ काटने लगे, खट खट की आवाज आती है, और जो अमृता देवी घर में खाना बना रही थी, ऐसा हम लोग बचपन में भी किताबों में पढ़े हैं, और फिर वो उनको पता लगता है तो बाहर आती है, मना करती है, बोलो पेड़ों को मत काटो। परंतु वो क्या होता है, राजा का आदेश था उनके पास, उन्होंने बोला महाराज 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 साहब ने कहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पेड़ कटेंगे, चाहे कोई आदमी आ जाए तो भी कटेंगे पेड़, ये रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, अपनी बाहों में भर लिया अमृता विश्नोई के साथ साथ 363 लोगों ने, कितने लोगों ने, 363 लोगों ने प्यारे साथियों लिख डालो भाई, 363 स्त्री पुरुषों ने, ठीक है, कितने, 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को क्या कर लिया, अपनी बाहों में ले लिया। और क्या होता है, जो राजा का आदेश था उन्होंने काट दिया। अब भाई काटने वाला कौन था, यहां से भी एक सवाल अच्छा बनता है कि भाई काटा किसने, बिल्कुल काटा किसने, और ये कब काटा। प्यारे साथियों बात बिल्कुल सही है भाई कि 1730 में, परंतु हमें हिंदी तिथि भी याद करनी है कि कौन सी हिंदी तिथि आती है। तो भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को, और वो आदेश लेकर आया था गिरधर दास, कौन था, गिरधर दास। तो ये भी लिख डालो, भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी की बात है भाई, 363 लोग अपने प्राणों की आहुति अर्थात शहीद हो गए पहली बार। प्यारे साथियों वैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो तीसरी बार था, परंतु इतना विस्तृत जो शहीद हुए थे ना, लोगों ने बलिदान दिया, वो पहली बार था 363 लोगों ने। और इनको ये आदेश था, जो हत्या करने वाला कौन था, गिरधर दास, गिरधर दास के पास आदेश किसका था, अभय सिंह का आदेश था। इन्होंने इसको आदेश दिया था अभय सिंह ने कि जाओ पेड़ काट के लाओ। तब उनको पता लगा अरे मामला बहुत बढ़ गया, ये तो 363 लोगों की हत्या होगी। बात राजा तक पहुंची, राजा ने फौरन कार्रवाई रोक दी, बोला रोको ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। प्यारे साथियों अब यहाँ पर ऐसी ये घटना घटित होती है, इसमें 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये शहीद हो गए वृक्षों के लिए, शहीद पहली बार है, इतना बड़ा जो शहीदी हुआ प्यारे साथियों। सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि उसी की स्मृति को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों, यहां पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। प्यारे साथियों विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान शाखा या खडाना कहलाता है। तो यहां पर क्या लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला, ठीक है। और जो ये शहीदीय बलिदान था ना, इसे साकाया का डाणा कहा जाता है विश्नोई संप्रदाय के द्वारा। शहीदी को साका या खडाना कहा जाता है, ठीक है, ये साका या खडाना कहलाता है, उसी को ध्यान में रखते।
अब भाद्र शुक्ल दशमी को तेजादशमी भी आती है, ये भी ध्यान रख लेना भाई। तेजादशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को ही तेजादशमी आती है। तेजादशमी के दिन यानी भाद्र शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, खेजड़ली गांव। और 363 लोगों ने गिरधर दास के द्वारा राजा अभय सिंह के आदेश पाकर इन 363 लोगों को अमृता विश्नोई सहित, अमृता विश्नोई जो पत्नी थी रामा विश्नोई के प्यारे साथियों। अब मैं बात करता हूँ विश्व का एकमात्र मेला गिरधर दास के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है प्यारे साथियों, खेजड़ली दिवस। अब देखिए भाई उसी स्मृति को ध्यान में रखते हो तो यहाँ पर वृक्ष मेला का आयोजन किया जाता है भाद्र शुक्ल दशमी को। अब खेजड़ली दिवस मनाए जाने की परंपरा प्यारे साथियों 12 सितंबर को शुरू होती है। 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और ये परंपरा प्यारे साथियों शुरू होती है आपकी 1978 को, तो ये भी लिख डालो। ठीक है, 12 सितंबर, 12 सितंबर की बात है और 1978 को पहली बार क्या मनाया गया? खेजड़ली दिवस मनाया गया। अब 12 सितंबर से प्रतिवर्ष यानी पहली बार तो हो जाएगा बिल्कुल प्रथम, ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया। पहली बार 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस से क्या मनाया गया? खेजड़ली दिवस मनाया गया। और उसके बाद प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और जो लोग किसके क्षेत्र में काम करते हैं, वृक्षों के संरक्षण के क्षेत्र में बढ़िया कार्य करते हैं, उनको अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की डेट पूछ लिया भाई एक बार पेपर में, पेपर में क्या पूछ लिया? पुरस्कार की डेट पूछ लिया। अमृता विश्नोई, वन्य जीव पुरस्कार, कब से प्रारंभ हुआ? अब बताओ एग्जाम अंदर कहां तक क्या क्या पूछ सकता है, पता नहीं भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अमृता विश्नोई की संरक्षण में और जो पेड़ों के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, वन्य जीव की जो पुरस्कार मिलता है, इस पुरस्कार की शुरुआत होती है प्यारे साथियों अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, इसकी शुरुआत होती है 1994 से। और ये आंदोलन चिपको आंदोलन चला था इसी के तर्ज पर, इसी की देखरेख में ये प्रेरणा स्रोत रहा था। किसका? चिपको आंदोलन का ये प्रेरणा स्रोत रहा था। अब प्यारे साथियों बोला सर आपने ये तो पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया कि भाई वन्य जीव जो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है यह 1994 में शुरू हुआ। अरे पहला किसको मिला ये पूछ लेगा तो, अरे तो लिख डालो टेंशन ही मत करो, वो भी बताऊंगा आपको मैं। पहला मिलता है प्यारे साथियों गंगाराम बिश्नोई। देखिए गिरधर बिश्नोई, गंगाराम बिश्नोई, दो बिश्नोई है गंगाराम और गिरधर। पहला पुरस्कार मिलता है गंगाराम को। अरे नाम देख लो कैसे इसका शुरू हो रहा है, कैसे उसका शुरू हो रहा है। गिरधर ने तो कर दिया बेचारे 363 लोगों का खल्लास। अब गंगाराम बिश्नोई ने क्या किया? पेड़ों को बचाने का कार्य किया। गंगाराम बिश्नोई, बिश्नोई सर्वाधिक आपको पता है जोधपुर में, तो ये जोधपुर निवासी थे। ठीक है, गंगाराम बिश्नोई को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार ये वन्य जीव पुरस्कार है ना अमृता देवी वाला, ये पहला मिला था गंगाराम बिश्नोई को, पहला पुरस्कार दिया गया प्यारे साथियों। अब मैं बात करता हूं अमृता देवी वन्य, जो अमृता देवी वन है ना वो प्यारे साथियों खेजड़ली में है। अब इसमें तो कोई आपको ज्यादा डाउट रहेगा नहीं। अब एक बार बता दो आप, अरे एक बार बता दो कि इसमें कोई डाउट रह क्या? जैसा मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आपके, बिल्कुल भाई। अब एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा देख लो, बोलो सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, फास्टली देख लो एक बार। खेजड़ी, खेजड़ी का तो आपने पढ़ ही लिया था, 31 अक्टूबर 1983 को और 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी होता है। प्रोसोपिस सोनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों, क्या नाम है? प्रोसोपिस सोनेरिया का वैज्ञानिक का नाम, उपनाम है राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। और प्यारे साथियों क्या है इसका, जो गोगा जी झुंझार जी बाबा का थान होता है इसी के नीचे होता है। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी मनाई जाती है और उस विजयदशमी के दिन ही प्यारे साथियों यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। नागौर में सर्वाधिक है, क्षेत्र से कवाटी आएगा, खेजड़ी के राज्य अलग अलग नाम है, पंजाब हरियाणा में स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं, तमिल में पेम्पेई कहते हैं, उसके बाद बात करता हूँ कन्नड़ में बन्ना बन्नी, बनी थारी बनो दीवानो, ये गाड़ी फॉर्चूनर ले आयो। कौन सी गाड़ी लायो? फॉर्चूनर ले आयो भाई।
अरे तो गाड़ी फॉर्च्यूनर तभी आएगी जब राजकीय सेवा में चयन होगा, वरना तो गाड़ी फॉर्च्यूनर लेने में पसीने आ जाएंगे। चलो भाई आगे देखो, सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है, बंगाली भाषा में साई गाद कहा जाता है, विश्नोई संप्रदाय क्या मानता है, विश्नोई संप्रदाय जो उसका संप्रदाय है वो जाटी जो आपका खेजड़ी है उसको समी के नाम से जानता है, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो भी कहा जाता है, खोखे का व्यापार किया था, फलियाँ लगती है और इसकी प्यारे साथियों जो फलियाँ होती है उसको लूम, खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं चारे के लिए काम आती है उनको लूम कहा जाता है, सूखी फलियाँ खोखा कहलाती है, खोखे का व्यापार आपने बचपन में खूब किया था, पुष्प मिंजर कहलाता है, 5,000 साल जी सकता है ये पेड़, दो पेड़ मिले किसके, खेजड़ी के, जिनकी आयु 1,000 साल पुरानी है, मांगलियावास अजमेर में मिला है, वहां पर क्या होता है प्रतिवृक्ष वृक्ष मेला लगता है प्यारे साथियों हरियाली अमावस्या को। अभी हरियाली अमावस्या कब आती है, सावन महीने में आती है, और आपको पता है 1 महीने में एक ही अमावस्या आती है, दो मत कर देना, एक पूर्णिमा आती है एक अमावस्या आती है। ऑपरेशन खेजड़ा गुणचिक्रांड में चला था, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान 1604 में राजस्थान में पहली बार किसने दिया था प्यारे साथियों, ये दिया था कर्माव गोरा नाम के व्यक्तियों ने, जो आपका रामदड़ी गांव है जोधपुर में है, 1700 में नागौर के पोलावास मेड़ता परगना में बूचो जी के द्वारा दूसरा बलिदान दिया गया था। तीसरा बलिदान अमृता देव बिश्नोई जो रामो बिश्नोई की पत्नी थी उसके द्वारा 363 लोगों के सानिध्य में वृक्ष बचाओ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 1730 की बात है, शासक अभय सिंह था और गिरधर दास वहां का क्या था जो आदेश दिया था, जो मतलब सेनापति एक तरह से ये मान लो आप, उसके आदेश पर उन्होंने 363 लोगों की बलि दे दी थी भाई साहब, मौत के घाट उतार दिया उन्होंने। बिश्नोई संप्रदाय जो शहीदी है उसको शाखाया परगना खड़ाना कहा जाता है, भाद्र शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है, तेजा दशमी होती है खेजड़ली नामक, और ये आपका था भाई प्रतिवर्ष 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली क्या मनाया गया, खेजड़ली दिवस मनाया गया 12 सितंबर से पहली बार मनाया गया था, उसके बाद लगातार 12 सितंबर को मनाया जा रहा है। 1994 में अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की आपका घोषणा हो जाती है, पहला पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दे दिया जाता है। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट है क्या, आगे बढ़ूं, आगे लिख लो भाई, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कहा जाता है। ठीक है, बास्केटबॉल को प्यारे साथियों दर्जे की बात करता हूं मैं अगर, तो इसको दर्जा दिया जाता है 1948 में, इसको दर्जा दिया जाता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है प्यारे साथियों। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में स्थित है, जबकि मैं बात करता हूँ महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में स्थित है। इससे रिलेटेड ये सवाल बनते हैं, इसको कब घोषित राज्य खेल का दर्जा दिया गया, तो राज्य खेल का दर्जा प्यारे साथियों इसको राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। ठीक है, खिलाड़ी इसमें 5 होते हैं भाई, खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बास्केट बॉल अकादमी, ये आपका जैसलमेर में है, कहां पर है बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों महिला बास्केटबॉल अकादमी, महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में, अरे ये पुनरुक्ति चिन्ह है जयपुर में, इसे क्या होता है जो मतलब दो डॉट आ जाती है ना, इसका मतलब ऊपर है वो नीचे भी ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, अब बताओ भाई ये आपका राज्य खेल हो गया, अब राज्य खेल से कोई जुड़ा हुआ कोई डाउट बच रहा है क्या आपका, अब बात करते हैं आप राज्य गीत की बात करते हैं, देखिएगा डिटेल से, एक प्रश्न पक्का आएगा, एक प्रश्न तो मतलब 200% आएगा, 100% नहीं 200, क्योंकि स्पेशल लिखा हुआ है और इसमें आपके 5-7 ये सारे आपके जो भी हैं 7-8 के करीब हैं जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उनसे एक प्रश्न आ रहा है, बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, अरे तो इनको कंटेंट को तो कंठस्थ कर लो। राज्य गीत में लिख डालो भाई, राज्य गीत इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ और बता दो फटाक देसी छाप दो। राज्य गीत है प्यारे साथियों केसरिया बालम, केसरिया बालम को क्या कहा जाता है, राज्य गीत कहा जाता है। इस राज्य गीत को पहली बार सर्वप्रथम अगर किसी ने गाया ना तो मांगी बाई थी प्यारे साथियों, उदयपुर निवासी मांगी बाई के द्वारा इसको गाया गया। तो लिखो भाई राज्य गीत,
और केसरिया कलर में लिख दें, पिंक में लिख देते, चलो केसरिया बालम राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है प्यारे साथियों। इसको पहली बार किसी ने गाया ना, सर्वप्रथम की बात की जाए, सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया, और ये मांगी बाई उदयपुर निवासी थी। ठीक है, यहां से काफी बार प्रश्न आया है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया, मांगी बाई के द्वारा गाया, ये किस जिले की निवासी थी, उदयपुर जिले की निवासी थी ये। अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलवाई, देखिएगा कोई काम होता है आपने शुरू किया, माना कि आपके दादाजी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोई काम शुरू किया, भाई ऐसे ऐसे हम बिजनेस में ये काम करेंगे, क्या पता आपके पिताजी उसको बहुत आगे तक ले गए हों, दादाजी ने शुरू किया तो पिताजी ने बढ़ाया, ऐसा होता है ना। तो कई बार क्या होता, दादा मतलब दादा से सीधा पोते में पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती है ना, तो ऐसे में पोता भी कमाल कर जाता है। तो प्यारे साथियों ऐसा ही यहाँ कुछ हुआ। अब देखिए मांगी भाई ने तो इस गीत को गा दिया, राजस्थान सरकार ने इसको अपना लिया, पूरा राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है, परंतु इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवा दी किसने, अल्लाह जिल्ला भाई ने। और ये बीकानेर की निवासी है, कहाँ की निवासी है, अल्लाह जिल्ला भाई, अल्लाह जिल्ला भाई बीकानेर निवासी है, इन्होंने ख्याति दिलवा दी भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने का कार्य किया। लिखो तो लिखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई ना, वो व्यक्ति कौन था, अल्लाह जिला भाई, अल्लाह जिला भाई, और ये आपके बीकानेर निवासी थी। ठीक है, अल्लाह जिला भाई बीकानेर निवासी प्यारे साथियों, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलवाने का कार्य किया। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है, मरु कोकिला किसको, अल्लाह जिला भाई को। अरे मरु कोकिला किसको कहा जाता है, अल्लाह जिला भाई को, अल्लाह जिला भाई ने किसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, केसरिया बालम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने का कार्य किया, कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये किस गीत की गायिका थी प्यारे साथियों, ये मांड गीत की गायिका थी। तो यहां से एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, मांड गीत की गायिका अल्लाह जिला भाई, तो मांड गीत की गायिका ये लो भाई, अरे मांड गीत की गायिका थी कौन, अल्लाह जिला भाई, बीकानेर की थी। अब बताओ, अब आपका राजस्थान का जो मैंने ये बाप को बताया है प्यारे साथियों, केसरिया बालम है, उदयपुर की मांगी बाई ने गाया, अल्लाह जिला भाई ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है प्यारे साथियों। और यह गीत प्यारे साथियों मांड किसमें है, मांड गायिका शैली में गाया जाता है, बिल्कुल मांड गायिका शैली में इस गीत को गाया जाता है। अब आगे मैं बात करता हूँ, अरे कमेंट तो क्या बात है, धुआं उठा रखी है भाई तुमने, कमेंटों के मामले में तो धुआं उठा रखी है भाई। अब आपका एक और प्रतीक चिन्ह देख लो, राज्य का शास्त्रीय नृत्य प्यारे साथियों, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है भाई, ये शैली और डाल लेना यहां पर। ठीक है, अब लिखो भाई शास्त्रीय नृत्य, लो भाई शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ेंगे, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य प्यारे साथियों कथक है, और कथक के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, कथक के लिए जयपुर घराना प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, उत्तरी भारत का कथक है, कथक के लिए दो घराने प्रसिद्ध है, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कथक के लिए जयपुर घराना हो जाएगा, और इस कथक के जन्मदाता है ना वो भानुजी महाराज को माना जाता है। तो लिख डालो, इसका जो प्रसिद्ध घराना है राजस्थान में, यहाँ पर ये लिखना, राजस्थान में प्रसिद्ध घराना जयपुर घराना, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो भानुजी महाराज हैं। भानुजी महाराज को क्या माना जाता है, कथक का प्रवर्तक माना जाता है, उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है, इसके दो घराने प्रसिद्ध है, भारत में लखनऊ घराना और राजस्थान में प्यारे साथियों जयपुर घराना, प्रवर्तक भानुजी महाराज है। अब एक लिख दो, राजस्थान का लोकवाद्य, लोकवाद्य
अरे लोकवाद है अलगोजा, ठीक है, अलगोजा हो गया आपका राजस्थान का लोकवाद। राजस्थान की राजधानी तो आपको पता ही है, जयपुर है, इसके बारे में क्या सोचोगे। अब राजस्थान का राज्य लोक नृत्य, प्यारे साथियों राज्य लोक नृत्य से भी काफी बार सवाल आया है, तो राज्य लोक नृत्य को डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान का लोकवाद तो अलगोजा ही है, नॉर्मल है। राजस्थान का, प्यारे साथियों राजस्थान का लोक नृत्य पढ़ेंगे अब। अरे लोक नृत्य जनमानस का नृत्य, लोक लग जाता है, समझ जाया करो। घूमर है भाई, घूमर, घूमर, घूमर। अब देखो घूमर, अब घूमर को क्या कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा। घूमर के तीन रूप होते हैं, उन रूपों को डिटेल से बताऊंगा आपको। घूमर क्यों राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा इसलिए कहा जाता है प्यारे साथियों क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है और इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा, लो भाई घूमर हो गया। इसके तीन रूप प्रसिद्ध है घूमर के, यहां से सवाल बनेगा, नॉर्मल तो आपने पढ़ रखे हैं। घूमर के तीन रूप होते हैं, ठीक है, झूमरिया, लूर, यहां से लिखो। एक होता है झूमरिया, नंबर दो लूर, नंबर तीन घूमर, ठीक है। अरे झूमरिया कौन करेगा, झूमरिया प्यारे साथियों इसको करेंगी राजपूत महिलाएं। अन्य महिलाएं, सॉरी यहां पर लिखिए आप अविवाहित महिलाएं या आदिवासी महिलाएं। और घूमर को अन्य महिलाएं, यानी जो इन दोनों कैटेगरियों में नहीं है ना, वो महिलाएं किसको कर सकती हैं, घूमर को कर सकती हैं। झूमर की बात करें पर्टिकुलर प्यारे साथियों, ये राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि लूर है ना जो गरासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं, अर्थात ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, और इसको क्या होता है अविवाहित महिलाएं करती हैं, कॉमन मतलब मुख्यतः। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, घूमर होता है जो इसमें सभी महिलाएं जो इन दोनों में आती हैं वो भी ले सकती हैं, और जो बाकी बची खुची वो महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं। अब बताओ घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, घूमर है ना आपका जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अरे घूमर मारवाड़ में वो गुड़ले खां की मृत्यु होती है ना, यहाँ पर ये लिख दो मारवाड़ का है ये। वो एक बार गुड़ला खां आता है और वो क्या करता है, मारवाड़ की 130-130 के आसपास जो बालिकाएं हैं उनको कब्जे में कर लेता है, और फिर उस समय मारवाड़ के जो शासक जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए, और वो उनको छुड़ा कर लेकर आते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो गुड़ले खां की मृत्यु कर देता है वो शासक। और वो शासक कौन था आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, मैं देखता हूँ आपकी तैयारी में कितनी धार है। तो वो क्या करता है, उसको गुड़ले खां को मार करके छुड़ा के लेकर आता है, उसी दिन से ये परंपरा मारवाड़ में की जाती है। इसमें क्या होता है, मटका होता है, मटके में छेद होते हैं, उसमें दीपक जलाया जाता है और फिर वो सर पर रखा जाता है, वो घूमकर इनका जो सवाई घाघरा पहनती है महिलाएं, ठीक है, वो सारा डिटेल इसी में आता है घूमर में। प्यारे साथियों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, इसी दोनों दोनों सेशन के साथ, आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो वो भी देखो, इसके साथ ही आपका डिटेल के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। जैसा मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों। जितने भी आपके पास एजुकेशन के ग्रुप हैं उन ग्रुप में इस सेशन को शेयर किया करो, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें और आपका प्यार इसने हमारे प्रति लगातार बढ़ सके। चलिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलता हूँ आपके बीच एक नया सेशन लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।